हे गाइस वेलकम बैक। और आज हम लोग करने वाले हैं पेंटिंग। डन डन वो दिखाओ, उठाओ अपना वो नोटबुक, उठाओ उधर से, पहले एक वो बनाते हैं उसमें। ये डन दिखाओ, पहले पेंसिल दिखाओ, पेंसिल दिखाओ। पेंटिंग ये है माजी की पेंटिंग बुक। पेंसिल 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 दिखाओ, डाल लो उधर से, उसमें से बॉक्स में से लेके। तो आज माजू को पेंटिंग करके दिखाते हैं एक अच्छी सी। और फिर पहले एक प्लांट्स बनाएंगे या फ्लावर्स बनाएंगे और फिर उसमें पेंट करेंगे। तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपना जो फ्लावर्स है उसकी पत्तियाँ। तो ये बन गई इसकी फ्लावर्स की अंकुड़िया या फिर पत्तियाँ बोलते हैं इनको। और ये मैं ही बना रहा हूँ अपने हाथ से, तभी आपको लगे कि कोई और बना रहा है, क्योंकि कभी के टाइम में मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी स्कूल में, तो आज वो ये स्किल्स शो करने का टाइम है। तो आज अपनी जो पेंटिंग स्किल है वो इस ड्राइंग पे बना रहा हूँ मैं। और तकरीबन कई साल के बाद में ट्राई कर रहा हूँ मैं आज। एक मिनट रुकिए, बनाने दो कम्प्लीटली, फिर इसमें वो करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनाया अभी माजी, एक मिनट हिलाओ मत मेरा हाथ, नहीं तो फिर वो गलत सलत हो जाएगा। और अब इसकी बना देता हूँ यहाँ पे स्टिक या डंडी जिसे बोलते हैं। आज मैं बना रहा हूँ इसे तकरीबन 8-10 साल के बाद में। ऐसे बैठा हुआ था तो माजू का सामान देखा, मेरा जो ओल्ड टैलेंट है पेंटिंग वाला वो जाग गया। तो मैंने सोचा कि इसे करते हैं आज, बनाते हैं। अभी तक मुझे याद है या फिर भूल गया मैं अपनी पेंटिंग, पहले तो बहुत करता था मैं स्कूल के टाइम पे। मेकिंग फ्लावर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है माजू बनानी मुझे, लेकिन आज फ्लावर ही बना के दिखाऊंगा माजू को। ये करना है फ्लावर्स, वाइट, ग्रीन, पर्पल, पिंक। और ये बन गई इसकी कली, इसे बोलते हैं फूल की कली। ये कली हाँ, ये अभी रेडी होगी। ये एक और लीफ बना दी मैंने यहाँ पे, लीफ प्लांट बनिया। ये प्लांट बनिया देखो, ये करना है लास्ट साइड, लास्ट साइड। एक मिनट मालूम अच्छे से बनाना है। अच्छा मोर हाँ, क्योंकि कई साल के बाद में एक माजू बना रहा हूँ मैं आज। जैसे एक माजू तो आज कई साल के बाद में अपनी जो पेंटिंग वाली स्किल है वो बनाने का मौका मिला है, थैंक्स टू लॉकडाउन के। जो उसने मेरा पुराना टैलेंट था वो आज पेपर पे उतारने का मौका दिया। तो ये अपना कुछ ऐसे बन गई अभी नेचुरल पेंटिंग, अभी शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि बनाने को तो बहुत बड़ी बन सकती है, बट उसमें फिर ये कि टाइम भी उतना ही लग जाएगा। और अब इसमें हम लोग कर सकते हैं पेंट, पेंट करें मजू इसमें ऐसे यहाँ से पेंट।
ये विनर है, देखो ये विनर है, ये माजी का कैंडल। तो अभी इसमें कलर की फिलिंग हो रही है। अपने टाइम में तो मैं ऐसे कलर यूज करता था, ये ये जो पक्की पेंट बोलते हैं इनको। हाँ लीप में ग्रीन करो, बिल्कुल सही, लीप में ग्रीन, बाहर मत निकालने देना बस। तो ये पेंटिंग अपनी रेडी हो रही है अभी। इसमें भी अभी यहाँ पे करो थोड़ी थोड़ी रेड येलो उठा के लाओ कलर एक बार माजू येलो कलर येलो ओके तो ये बनाया हमने फ्लावर्स और ये भी इसके जो लीफ है इसमें हम लोग कर रहे हैं कलरिंग। अब कलरिंग का ही पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं इसमें येलो। माय कैप क्यों चोला लाइक कैप प्लान ये निशान, ये निशान। और इसमें थोड़ी थोड़ी डालते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये थोड़ा लीफ में ग्रीन। आप उसमें रेड करो माजू जो पत्ती है फ्लावर्स की। रेड नहीं करना, रेड नहीं करना, पर्पल। ओके इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रीन डाला है, पर्पल पर्पल। और ये लगभग अपना जो फ्लावर्स है फ्लावर्स प्लांट है वो लगभग रेडी हो चुका है कच्चे कलर्स के साथ में। जब इसमें कलर ये पक्के वाले कलर डालेंगे तो ये फिर और भी अच्छा लगेगा। तो ये थी आज की हम लोगों की पेंटिंग और इस पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इस पे? पिंक। वन मोर प्लांट लेसेट माजू कलर बाय मिस्टर माज। नाम लिखा, ये मिस्टर माज का नाम भी इसमें आ गया। तो आज की ये थी हमारी क्रिएटिविटी और थैंक्स टू लॉकडाउन कि उसने अपना जो पुराना पैशन था पेंटिंग का वो पेपर पे लाने का मौका दिया। आई एम अ विनर। और इसका जो कलर है वो मिस्टर माजू ने किया है। थैंक्स माजू फॉर कलरिंग इट। तो ये थी आज की अपनी पेंटिंग। लेट्स डू ब्लू और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी पेंटिंग करेंगे ब्लू तैयारी के साथ में, क्योंकि आज तो ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन था आज तो हम लोगों का, तो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी करेंगे विद फुल प्रैक्टिस एंड विद फुल प्रिपरेशंस। और अभी हो चुका है अपने खाने का टाइम। क्या कुछ है खाने में आप? दाल है और ये किसी सब्जी है? ये की सब्जी है, ये पास्ता है। तो अभी करते हैं लंच।